हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं अमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे कि जोमेटो में आप कैसे ज्वाइन करेंगे, आप जोमेटो डिलीवरी बॉय या फिर गर्ल्स कैसे बन सकते हैं। तो अभी गर्ल्स लोग भी बहुत ज़्यादा ज्वाइन हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें पार्ट टाइम जॉब करना बहुत ईजी हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। तो आज हम आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाले कैसे इसमें अर्निंग करनी है और कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा, ताकि सारी स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो होगी अर्निंग और टेक्निकल रिलेटेड आपको इस पर अपडेट पहले मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो हम यहाँ पे कॉमन सभी के लिए बताने वाले हैं। मतलब कि जो जोमेटो में ज्वाइन होना चाहते हैं, या बाइक से आप सर्विस देना चाहते हैं, या फिर आप साइकिल से या फिर ई साइकिल से भी देना चाहते हैं, तो ये तीनों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है, डॉक्यूमेंट और प्रोसेसिंग जो है, वो आपको पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले जो आप एप्लीकेशन जोमेटो का यूज़ करते हैं, ये एप्लीकेशन से नहीं होगा। एक जोमेटो डिलीवरी का अलग से एप्लीकेशन आती है, तो उस एप्लीकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में एक हमने लिंक दिया है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप मेरे साथ चैट करेंगे, चैट करने के बाद आपको जो है हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद आप जो है जोमेटो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एंड्रॉयड फ़ोन जो उसमें इंटरनेट की सर्फिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी पासबुक होनी चाहिए, उसकी आपकी बैंक अकाउंट होनी चाहिए, और आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो आपका नाम है वो पासबुक में मैच करना चाहिए। उसके बाद फिर IFC कोड भी चाहिए, अकाउंट नंबर आपको सही से एक बार दो बार चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद एंट्री करेंगे। सो बाइक से अगर आप डिलीवरी करना चाहते हैं, तो उसमें बाइक में ड्राइविंग लाइसेंस आपके नाम से होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका इंश्योरेंस होना चाहिए बाइक का। ये तीन डॉक्यूमेंट जो है बाइक से डिलीवरी करने वाले को जोमेटो को सबमिट करना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका। जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, तो डॉक्यूमेंट का जो लिखावट हो आपकी तरफ दिखना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए तो डॉक्यूमेंट का पूरा फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद फिर जोमेटो का एक प्रोफाइल बनेगा, आपसे नाम पूछेगा, लोकेशन पूछेगा, किस लोकेशन में आप काम करना चाहते हैं, कौन सी शहर में काम करना चाहते हैं, आप कौन सी आप स्टेट से आपका रेसिडेंटल है, ये चीज़ को फॉर्म फिल करने के बाद सो उसके बाद फिर आपको कुछ असिस्ट के लिए, यानी कि बैग्स जो होते हैं, ट्यूशर्ट होते हैं, तो इसके लिए आपको दो टाइप में पे करने के लिए बोलेगा। एक बार में अगर पे करिएगा तो 800 रुपये, और अगर दो बार में करिएगा तो 1000 रुपये। तो फर्स्ट टाइम में 300 रुपये आप पे कर सकते हैं, उसके बाद आपकी जो इनकम होगी उसमें से कट कर लेगा। एक बार आपको फर्स्ट वीक में 300, सेकेंड वीक में 200, फिर थर्ड वीक में 200। इस तरह से जो फी है जोमेटो का ज्वाइन होने के लिए, वो फी कट कर लेगा आपकी अर्निंग से। उसके बाद जो है आपको बैग और टी शर्ट को कलेक्ट करने के लिए एक लोकेशन बताएगा, आप जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में एक किसी जगह पर एक ऑफिस होती है जोमेटो के, वहाँ पर आपको जाकर के बैग और टी शर्ट जो है कलेक्ट करना है। इसके लिए आपको लोकेशन जोमेटो के एप्लीकेशन में जो हम अभी लिंक दिए हैं, उस लिंक से जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उस एप्लीकेशन में आपको मिल जाता है। उस वहाँ पे फिर उसको रिसीव करने के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड पासबुक लेकर जाइएगा। इन केस अगर आपकी सभी अपडेट नहीं हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाकर के अपडेट कर सकते हैं, आप उनसे जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, और अगर आपका अपडेट हो गया है तो फिर भी वहाँ पे पैन कार्ड आपका चाहिए। जब टी शर्ट और बैग कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है आपकी जो स्लॉटिंग है, यानी कि टाइमिंग और स्लॉटिंग आपकी फुल टाइम की या फिर पार्ट टाइम की, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टाइमिंग होगी उस टाइम में आपको जो है लॉगिन होना है। सो लॉगिन होने से पहले कुछ बातों की ध्यान रखना, जैसे कि मोबाइल की आपकी चार्ज होनी चाहिए, गाड़ी में आपकी पेट्रोल होनी चाहिए अगर आप बाइक से आप सर्विस देना चाहते हैं, तो ये सब ध्यान देना है। और लॉगिन होने से पहले आप पूरी तरह से तैयार होकर ही लॉगिन करें। हो सकता है कि पिकअप की कॉल आपके पास आ जाए, तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करना है, और जब एक्सेप्ट करते हैं तो आपको डिलीवरी एनी हाउ करना ही करना है। ऑनलाइन हो जाता है और रेडी नहीं है आप, तो उसके बाद अगर आपको उसको रिजेक्ट करते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। तो उसको कैसे भी आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद एनी हाउ आपको डिलीवरी करना है। थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो आपको उस पर पेनल्टी लग सकती है। तो अगर ऐसे स्थिति में अगर कभी हो जाता है, तो एक दिन आपको जो है एक दिन में डिलीवरी को डिनाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ रीज़न डालना होगा कि आपके साथ ट्रैफिक इशू है या फिर बाइक इशू है या क्या प्रॉब्लम है, रीज़न कर ऑर्डर करके रीज़न आप डाल सकते हैं। लेकिन एक
उससे ज्यादा करेंगे और आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, और पेनाल्टी इतने लग जाएगी कि आप उतना कमा भी नहीं पाएंगे एक दिन में, और उससे ज्यादा पेनाल्टी आपको लग सकती है। तो ध्यान रहे, कभी भी ऑनलाइन हुई है तो सबसे पहले पूरी तरह से रेडी हो जाए, सब चीज़ को चेक कर लीजिए, बैटरी है, गाड़ी में तेल है, इस तरह से चेक करने के बाद ही आप ऑनलाइन हुई है, उसके बाद आप डिलीवरी एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके डिलीवरी शुरू करना कर दीजिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा केयरफुली होता है अगर आइसक्रीम और केक अगर डिलीवरी करते हैं तो उसमें ज्यादातर केयरफुली होता है। सो उसमें आपको ध्यान देना रहता है कि कहीं केक आपके डैमेज ना हो जाए, आइसक्रीम कहीं डैमेज ना हो जाए। अगर उसमें डैमेज हो जाता है तो कस्टमर आपके ऊपर जो है आपकी आईडी पर या आपकी जो है जोमेटो पर अगर कुछ बैड कमेंट या बैड एक्सपीरियंस देता है तो उस पर आपकी इफेक्ट आईडी पर पड़ सकता है। और आगे की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर आप मुझसे चैट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में भी कॉमेंट कर सकते हैं अपनी डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम, अपनी रीजन, या फिर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट में भी अपने नाम और मोबाइल नंबर कॉमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो प्राइवेट में फिर मैसेज कर दे इंस्टाग्राम पे। अगर सारी बातें यहाँ पे बताने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो अगर आपकी पर्सनल अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे कमेंट में, या फिर चैट वाली लिंक दिया हुआ है, या फिर आपकी एप्लीकेशन वाली लिंक दिया हुआ वहां पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।